हौसलों की उड़ान देखनी है तो आसमान से कह दीजिए कि अपना कद और ऊंचा कर ले। ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित होती है आगरा के यश कुमार पर, और ये केवल आगरा के ही नहीं अब देश की धरोहर है। देश का प्रतिनिधित्व पैरा ओलंपिक में करने वाले यश कुमार हमारे साथ हैं, पैरा कैनो एथलीट हैं। किस तरह का ये पूरा सफर पैरा ओलंपिक का रहा, हम इनसे बात करेंगे। सेमीफाइनल तक पहुंचकर देश का नाम रोशन किया है, आगरा का नाम रोशन किया है। यश कुमार ने बड़े ही संघर्ष के दौर से निकलकर एक मुकाम हासिल किया है। यश जी, पहले आपको बधाई। थैंक यू सर। आप देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि जर्सी पर देश का नाम लिखा हुआ है, तिरंगा है। ये पहचान है हमारे देश की दुनिया के लिए कि हमारे हौसले बुलंद हैं और हम जल्द फिर लौट कर आएंगे और अपना सोना आपसे लेकर जाएंगे। यश जी, एक सफर आपने पूरा किया है, पैरा ओलंपिक में आप पार्टिसिपेट कर आए हैं, कैसा अनुभव रहा पूरा, किस तरह की तैयारी थी? तैयारी तो काफी अच्छी थी, सोचा था कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रह पाया, बट आगे चल के हम अच्छा करेंगे। और एक्सपीरियंस पहला पैरा ओलंपिक था मेरा, जो कि मुझे खुद कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं पैरा ओलंपिक जाऊंगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम, मगर मेरे कोचेस, मेरे सपोर्टिंग प्लेयर्स प्लेयर्स जितने भी, तो उनको भरोसा था कि हाँ मैं जरूर पैरा ओलंपिक खेल सकूंगा। तो उन्होंने कहा था नहीं तू ही खेलेगा, ठीक है देखेंगे, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। बट जब मैंने फर्स्ट टाइम पहला, हम तैयारी के दौरान ही एशियन चैंपियनशिप पड़ी थी अप्रैल में, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता, तो वहां से मुझे लगा कि हाँ मैं बॉर्डर पर आ चुका हूँ पैरा ओलंपिक के। फिर एक महीने बाद ही मई में हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जो कि पैरा ओलंपिक क्वालिफाई राउंड भी था। वहां जब मैंने अपनी वो कंट्री में वर्ल्ड वाइड 9वीं रैंक स्थान करके अपने देश के लिए कोटा लिया, तब मैं लगा कि हाँ अब मैं पैरा ओलंपिक, मेरे नाम के पीछे पैरा ओलंपिक लिख सकता है। फिर वहां से फिर अपने ट्रायल वगैरह हुआ, हम क्वालिफाई किए, और जब मैंने क्वालिफाई कर लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं पहला मेल कैटेगरी में पैरा ओलंपिक खिलाड़ी इंडिया से पार्टिसिपेट करूंगा, वो भी एक डिफरेंट गेम जिसको हमारे इंडिया में कोई जानता ही नहीं है। अगर हम बताएं पैरा कहना तो लोग पहले हाँ करते हैं, फिर सोच में पड़ जाते हैं, फिर वो बाद में पूछते हैं कि ये क्या होता है, तो हमें हिंदी में बताना पड़ता है। नौकायन, नौकायन में भी कई तरह के हैं, तो डिफाइन करना पड़ता है कि बोट पतली सी रहती है दोनों साइड चप्पू, कई लोग तो ऐसे भी नहीं समझते, तो हमें फोटोज दिखानी पड़ती है ये है गेम। तो ऐसे डिफरेंट गेम से मैं अपने देश की पहचान बनाने के लिए जब निकल रहा था, तो मुझे बड़ा खुश हुआ कि हाँ कि मैं जा रहा हूँ अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो भी पैरा ओलंपिक जैसे गेम में। ये जो गेम आपका है, जिस गेम से आप एथलीट हैं पैरा कैनो, इसे बेशक ना लोग समझ पाए, लेकिन हमारी शुद्ध भाषा में इसे नौकायन जब कहेंगे तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि यूरोपियन जो खेल है जिसे आप खेल रहे हैं इस समय और देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो कैसा दौर था जब आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, बड़े खिलाड़ी भी साथ में थे, अनुभवी लोग थे, तो वो दौर कैसा था, अनुभव कैसा था उस बीच में खुद को स्थापित करना? हाँ खैर, जिनके साथ मैं कंपटीशन लड़ रहा था वो जब से ओलंपिक में पैरा कैनो आया वो तब से चैंपियन रह चुके हैं, कुछ रैंक भी अच्छी रह चुकी है, और मैं अभी नया नया खिलाड़ी आया था, तो जब वहां पे खड़ा मैं हुआ था तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि जिनसे मैं कंपटीशन कर रहा था वो जानी मानी हस्ती कह सकते हैं हमारे गेम के हिसाब से, वो नंबर वन प्लेयर है और उनके साथ मैं फाइट कर रहा हूँ। मैन ये था कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वहां मेरी एक गलती मेरी बदनामी नहीं है, मेरे देश की बदनामी है, तो वो काफी डर वाला माहौल था, बट अच्छा रहा पहला पैरा ओलंपिक, अपनी उम्मीद से अच्छा नहीं कर पाए, बट हाँ जितना था एक एक्सपीरियंस लिया और एक सीख कर आए हैं वहां से हम, कि आने वाले समय में हमें अपने में क्या क्या सुधार करना और एक अच्छा रिजल्ट देना है। यानी अगले ओलंपिक की पूरी तैयारी आप करके आए हैं? बिल्कुल सर, अगले ओलंपिक में पक्का मेडल, देश को मेडल दिलाएंगे, ये पूरी सोच लेके आए हैं, पूरा अनुभव जो है वो आपने अपने मन में संजो के रखा है। बड़े खिलाड़ियों के बीच में आपका अनुभव रहा जो आपने हमें बताया, अगर हम देश में बात करें, जिस ये खेल यूरोपियन खेल है और भारत में सो लोग बहुत कम जानते हैं, तो इसकी तैयारी और प्रैक्टिस किस तरह से की, कितना वो कठिन दौर था जिसको तैयारी करने लगा? पहला कठिन दौर तो यही है कि मैं आगरा से भोपाल ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में इस गेम की कोई फैसिलिटीज नहीं है पैरा के लिए, नॉर्मल के लिए, पैरा के लिए हमारे देश में, हमारे यूपी में कोई फैसिलिटीज नहीं है, एकमात्र भोपाल में सेंटर है, कोचेस वगैरह सब चीज, बोर्ड्स वगैरह वहां पे सारी फैसिलिटीज हैं, तो हमें अपना घर छोड़कर व्हीलचेयर यूजर होकर हमें वहां रहना पड़ता है, रूम लेकर अपना सब कुछ सेल्फ खाना पीना करके, तो पहला स्ट्रगल तो यही है हमारे लिए कि हम इतनी दूर रहकर अभ्यास कर रहे हैं। बाकी
काफी चीजें हैं, हमें एक अटेंडर कंपलसरी लगता ही लगता है, लेकिन हमारे कोच मयंक ठाकुर, अनिल राठी एंड हेल्पर में है हमारे रिंकू सिंह जो कि आर्मी से हैं, आर्मी वाले बंदे जो अपनी ड्यूटी छोड़ हमें से, हमारी सेवा में, मतलब देश की सेवा को छोड़ के वो हमारी सेवा में लगे हैं 24 आवर। वो जब हम कहें तब वो हमें उस टाइम पर प्रैक्टिस कराना, अगर हम सुबह 6 बजे बोल रहे तो वो 6 बजे अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये चीजें बहुत बड़ी मायने रखती हैं कि आपको मेन चीज है आप दूर रहकर तो कर रहे हैं, आपको सपोर्ट में कितने लोग हैं। तो हमें सपोर्ट काफी अच्छा मिला हमारे कोचेस का, एक बिना पैसों के। आप किसी भी गेम में जानकारी लें तो कोचेस की फीस लगती ही लगती है, पैरा हो या नॉर्मल, लेकिन हमारे जो कोच हैं मयंक ठाकुर और क्लब है एमपीकेसी के अंडर में, उन्होंने हमसे आज तक 1 रुपया नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ट्रेनिंग कराते हैं, बकायदा आर्मी के जो असिस्टेंट कोच है वो सब मिलकर। तो काफी अच्छा स्ट्रगल टाइम तो रहा, बट हाँ स्ट्रगल से उन्होंने, उनका भरोसा था और हमने उनके भरोसे को आगे तक लेकर आए और पैरा ओलंपिक और गए। आप लेकर गए और पैरा ओलंपिक में गए, पैरा फ्रांस में जो हुआ। जी, इस बीच में आप जब वापस आए तो आपकी देश की बड़ी हस्तियों से मुलाकात हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उन्हें सम्मानित भी किया, देश के बड़े उद्योगपति अंबानी से आपकी मुलाकात हुई। वो कैसा अनुभव था देश की बड़ी हस्तियों से मिलना? एक तो आप विदेश में जाकर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे, क्योंकि पहले आप मेल कैटेगरी में हैं जो कि पैरा ओलंपिक शामिल हुए हैं। वो अनुभव आप थोड़ा साझा करिए कि उन बड़ी हस्तियों से पैरा ओलंपिक खेलने के बाद जब वापस आए कैसा अनुभव? हाँ, जैसे कि प्रधानमंत्री से मिलना था, किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाए। फिर उसके बाद हमें, जब फर्स्ट टाइम मैं गांव में ही था, अब थोड़े फैमिली पर काम के, तो मुझे कॉल आया कि नीता अम्बानी जी ने रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से पैरा ओलंपिक और ओलंपिक खिलाड़ियों को बुलाया है पार्टी में। तो मुझे उस समय यकीन नहीं हुआ, पहले ग्रुप में मैसेज आया था तो हमें नहीं लगा कि ठीक है ऐसे ही होगा। जब पर्सनली वहां से रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से कॉल आया तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मतलब वो एक महा ऐसी हस्ती है एशिया में नंबर 1, वो हमें बुला रहे हैं, क्योंकि वहां उनके घर जाने के लिए लोग दुआ करते कि यार कैसे भी अंबानी जी हमें बुला लें शादी में। जैसा आपको पता ही होगा कि मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में लोग सोच रहे थे यार हमें बुलाए हमें बुलाए, जी दुनिया दुनिया से लोग आए हुए थे और बकायदा कुछ नहीं गए थे, तो वो सोच रहे थे कि हमें बुला लें। तो ऐसी महान हस्ती और हमें इनवाइट कर रही है, हम जैसे खिलाड़ियों को, पैरा खिलाड़ियों को, तो बहुत बड़ी बात है। तो वही जब पता चला तो मुझे यकीन नहीं था। फिर जैसे जैसे हम टिकट वगैरह हुआ, हम पहुंचे, अंबानी जी से मिले, वो मतलब जैसा हम देखते हैं वो काफी मतलब सिंपल आदमी है। कि एक होता है कि आदमी इतने बड़े स्तर पर, छोटे से स्तर पर भी आ जाता है, जैसे मैं ही कहूँ कि मैं एक पैरालंपिक होने के बाद मुझे भी थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाएगा, मगर वो इतना बड़ा आदमी होकर वो एकदम सिंपल, मैं साइड में खड़ा था, वो खुद बात करते हैं, खुद कहते हैं रुकिए यश रुकिए मैं आता हूँ, बाद में पूछते हैं कहाँ से हो क्या हो, तो बोले यूपी में से हो, मेरे ये कह रहे यूपी से तो बहुत लोग आए हैं, मतलब खुद आकर फोटो खिंचवाना, टाइम स्पेंड करना, इतने बड़े आदमी, तो बहुत ही डिफरेंट, मतलब महान सेलिब्रिटी से भी मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही सिंपल आदमी है। और अच्छा जो अनुभव हाँ रहा। बहुत काफी, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि अंबानी जैसा आदमी हमसे, मैं कि चलो पार्टी में बुलाए मिलेंगे थोड़ी नहीं, बट वो मिले, फोटो खिंचवाया तो बहुत अच्छा लगा। यूपी गवर्नमेंट की ओर से भी सम्मानित किया गया, सीएम साहब आपसे मिले। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जस मिले, उन्होंने हमें सम्मान पत्र के साथ 10 लाख का सम्मानित राशि दी, जो कि बहुत अच्छा लगा जान मिलकर। क्योंकि इससे मैं अपना टाइम बताता हूँ, वहां पर हम पहुंचे होटल में, क्योंकि इससे पहले पैरा एशियन गेम्स में मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से मिल चुका हूँ ना, मिला क्या मतलब सामने बैठे थे हम, ऊपर स्टेज पे थे, तो उस समय हमें उन्होंने सम्मानित ना करा था, उन्होंने सिर्फ मेडलिस्ट खिलाड़ियों को किया था। तो इस बार भी सेम हमारे यूपी के मेडल, बड़ा अच्छा लगता है कि यूपी के 6-7 मेडल जिसमें एक गोल्ड है और हम 3 पार्टिसिपेट हैं, बहुत अच्छा लगा कि हाँ यूपी से भी इतने खिलाड़ी, क्योंकि इससे पहले हरियाणा ही टोटल खिलाड़ियों में है, यूपी भी अब आगे बढ़ रहा है स्पोर्ट्स में, तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मैं चाहता हूँ आगे भी और अच्छा परफॉर्मेंस करे यूपी। तो मैं पीछे बैठा था माननीय मुख्यमंत्री जी के जस्ट, तो उस समय मैं पीछे बैठा बैठा सोच रहा था कि हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, हमें इस बार मेडलिस्ट को ही सम्मानित करेंगे, पर ऐसा नहीं। जब मुझे पता चला, फर्स्ट स्टार्ट पार्टिसिपेट वालों से किया गया, तो जब मुझे पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टिसिपेशन वालों को दे रहे हैं, तो उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था, बहुत खुश था, मेरे को समझ में नहीं आया था, जो समझ में आया फिर मैं वहां जाके मिला, उन्होंने बात करी कैसे हो और बढ़िया, चलो कोई नहीं अगली बार और अच्छा करिएगा, है ना। तो जाएगी हाँ, तो उनसे मिलकर लगा कि हाँ चलो, बहुत मतलब एक पहला एक्सपीरियंस ही, मतलब मिलने के बाद पहली बार हम आमने सामने इतना करीब थे कि बातचीत भी करी उन्होंने। फिर उसके बाद खुद माननीय मुख्यमंत्री जी, उम्मीद रही थी कि पीछे मुड़कर अपने सिक्योरिटी वाले से बोलते कि फोटो नहीं होगा क्या, तो वो मैं वही पीछे बैठा था, मैंने सुना, मैंने कि बताइए मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, उन्होंने पर्सनली मेरे से, खुद मेरे से पर्सनली सेल्फी ली,
बात करी, कहा ठीक है कोई नहीं अगली बार, मतलब पहला चांस था कि पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों से वो बातचीत कर रहे हैं, और प्लस सेल्फी और फोटोज के लिए टाइम स्पेंड किया उन्होंने, काफी अच्छा अनुभव रहा। जी अच्छा लगा। एक तो व्यक्तिगत सवाल है, वैसे तो आपकी हौसलों के आगे सवाल की कोई हैसियत नहीं है, शारीरिक अस्वस्थता होने के चलते सामाजिक जो माहौल था आपकी खेल को लेकर या आपकी जो आगे सोच को लेकर जिस तरह से आप आगे बढ़े हैं, वो कैसा दौर था, किस तरह से आप बाहर आए? खैर वो तो हर कोई, किसी को नॉर्मल हो या हैंडीकैप हो, खेल को लेकर आदमी की धारणा अलग ही है। वो कहावत है, खेलेंगे कूदोगे बनोगे, कबार पढ़ोगे देखोगे न बनोगे, वाह तो वो रियल। लेकिन अभी फिलहाल के दौर में देखा जाए तो प्रधानमंत्री की जो योजना के तहत आजकल खेल बहुत आगे निकल चुका है, तो लोगों की भी सोच बदली है। तो खैर दौर तो हम भी गुजरे थे उससे, बट हमें उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको बस, आप जिस भी फील्ड में हो, खेल ही नहीं, जो भी आप फील्ड पकड़ लो, उस फील्ड में आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कहां तक जाएंगे। अगर आप भी दूसरों की बात सुनने का मतलब, अगर आप दूसरों की बात सुन के रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपने क्लियर कर लिया कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको खुद से भरोसा होना चाहिए, हाँ मैं इस फील्ड में आगे निकल के दिखाऊंगा खुद को, दूसरों को नहीं, खुद को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं इस फील्ड में भी कुछ कर सकता हूं। देखिए हमारे साथ यश कुमार है, पैरा कैनो एथलीट है, देश का नाम रोशन किया है पैरा ओलंपिक में, और कहा कि एक संकल्प और एक जिद रहनी चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हौसले बुलंद है तो सफलता आपके कदम चूमती है, और यही परिणाम फलस्वरूप हमारे सामने बैठे हुए यश कुमार जो कि देश का नाम रोशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और अब भरोसा और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल देश को देंगे। लक्ष्मीकांत What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। गेट टू नो द ग्राउंड रियालिटी ऑफ द हरियाणा इलेक्शंस 2024 विद रियल टाइम अपडेट्स इन योर लैंग्वेज एंड योर प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म ओनली ऑन एबीपी लाइव इलेक्शन सेंटर। सही इन्फॉर्मेशन हर इलेक्शन।